देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना इलाके में सीएसपी सेंटर पर लूट की योजना बना रहे 5 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुपौल पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। एसपी ने बताया कि मधेपुरा जिले के बाल सुधार गृह से फरार कर्ण टाइगर अपने साथियों के साथ त्रिवेणीगंज थाना इलाके के मिर्जवा रोड सीएसपी सेंटर लूट की योजना बना रहा। 5 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। इन अपराधियों के पास 2 देसी हथियार, 2 जिंदा कारतूस, 12 मोबाइल, 1 चोरी की बाइक को बरामद किया गया है। वहीं राघोपुर थाना इलाके में एक राइस मिल के मुंशी की हत्याकांड में मुख्य आरोपी कर्ण टाइगर की तलाश थी। एसएचओ को एक सूचना मिली कि मनोज कुमार नाम के व्यक्ति जो सीएसपी संचालक हैं उनको लूटने का योजना बनाया जा रहा है और उस गिरोह में करण टाइगर मुख्य सरगना है उसका और उसी के गिरोह द्वारा ये घटना को अंजाम देने की बात की जानकारी आई थी। जानकारी मिलते ही एक टीम गठित किया गया एसडीपीओ त्रिवेणीगंज के नेतृत्व में। एसएचओ राघोपुर थे, त्रिवेणीगंज थे, जदिया थे, डीआईयू के थे, ये सभी ने वहाँ पर घेराबंदी किया और जैसा कि शक था वहाँ कुछ उस आधार पर, सूचना के आधार पर 2 युवक को रोका गया जिसका नाम पंकज कुमार और मुकेश कुमार था। संदिग्ध अवस्था में दोनों घूम रहे थे बैंक के आसपास। इन लोगों को रोक करके इनकी तलाशी लिया गया तो पंकज कुमार के पास से एक देसी कट्टा मिला और फिर इन लोग से पूछताछ किया गया तो ये करण टाइगर के बारे में बताए। करण टाइगर को गिरफ्तार किया गया, वह भागने का भरपूर प्रयास किया गया और वह थोड़ा सा उग्र था, कुछ हमला करने का भी प्रयास किया, मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन बहुत बहादुरी से उसे गिरफ्तारी की गई और उसके पास से भी एक लोडेड देसी कट्टा मिला। आगे पूछताछ के क्रम में उज्जवल कुमार और प्रिंस कुमार जो कि दोनों चचेरे भाई हैं इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उज्जवल कुमार के पास से लूट का एक मोबाइल रिकवर किया गया है और ये 5 बहुत शातिर अपराधी है जो कि डकैती का योजना बना रहे थे और रंगे हाथ घटनास्थल से पकड़ा गए हैं। इसमें से इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है। करण टाइगर हाल में ही राघोपुर थाना में राइस मिल मालिक और उसके मुंशी पर जो हमला किया गया था जिसमें मुंशी की हत्या हो गई थी उसका ये मुख्य अभियुक्त है। इस गिरोह के बाकी 5 की गिरफ्तारी हो गई थी, ये बच रहा था, इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है और इस पे अग्रसर अनुसंधान और कार्रवाई की जा रही है। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।